भरतपुर भारत के राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले में स्थित एक नगर है। यह उस जिले का मुख्यालय भी है। भरतपुर अपने समय में जाटों का गढ़ हुआ करता था। इसका नामांकन राम के भाई भरत के नाम पर किया गया है। लक्ष्मण इस राज परिवार के कुलदेव माने गए हैं। इसके पूर्व यह जगह सुगड़िया जाट सरदार रुस्तम के अधिकार में था, जिसको महाराजा सूरजमल ने जीता और 1773 में भरतपुर नगर की नींव डाली। यहाँ के मंदिर, महल व किले जाटों के कला कौशल की गवाही देते हैं। राष्ट्रीय उद्यान के अलावा भी देखने के लिए यहाँ अनेक जगहें हैं, जैसे कि ये सामने डीग का महल। भरतपुर से 34 किलोमीटर उत्तर में डीग नामक बागों का एक खूबसूरत नगर है। शहर के प्रमुख आकर्षणों में मनमोहक उद्यान, सुंदर फव्वारे और भव्य जल महल शामिल हैं। तो हमने आगरा से भरतपुर का सफर तय किया और डीग महल पहुंचे। तो ये हम अभी आए हैं डीग पैलेस, जिसको कि जल महल भी कहते हैं। वहाँ 1756 से 1763 ईस्वी में महाराजा सूरजमल ने इस बिल्डिंग को बनवाया। सामने जो बिल्डिंग है सर, ये उनका समर पैलेस। ये पवेलियन है सर, जो सामने दिख रहे हैं मंडप। हाँ हाँ, इनको सामन और भादो भवन कहते हैं। रेजिडेंस की दोनों साइडों मंडप बने हैं। और ये ब्रज क्षेत्र में पड़ती है, 84 को उसकी परिक्रमा पड़ती है, जो कृष्ण भगवान की लीलाएं करी थी भगवान ने। हाँ जी हाँ जी। तो उसमें ये डीग पड़ती है सर, तो महाराज ने महलों के नाम भगवान के नाम पे धर दिए। जैसे ये गोपाल भवन है, वो कॉन्फ्रेंस रूम है जो किशन भवन है, वैसलिन पैलेस है, इसको नंद भवन कहते हैं, और जिसमें दासियाँ रहती थी उसको हरदी भवन कहते हैं। स्वीपर के लिए परमिशन यहाँ से थी, अंदर से नहीं थी सफाई करने के लिए। हाँ, जो रेन चलती है कोला होते हैं उनसे पहले में महाराज तो उनको गर्म पानी। ये सीढ़ी स्वीपर के लिए बाथरूम को पुरानी जमाने का गीजर देखो। उसमें मैडम डेग साल होता है, जो लोहे के आता है डेग साल होता है उसमें बना हुआ। ये आप देख सकते हैं जी, पूरा जो है फर्नीचर जो है उसी टाइम का है। और आपको सबसे अच्छी चीज़ पर मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ये हाथी का पांव है और उसके ऊपर जो है दो डिकेंटर रखे हुए हैं। ये जी मदिरा के डिकेंटर हैं दो, और नीचे हाथी का पांव है। बागे ने सर अपने बीजावान जंगल बंद मारे, वहाँ से शिकार की थी पूरी फैमिली की, और इसके बच्चे को कॉम्प्रेस रूम में सर और सिर था मैं और बागेन रेजिडेंट। हाँ बिल्कुल, बताइए।
महाराज और ये गरीब महसूस है कर्नाटक में आए थे महाराज भी जी। अच्छा जी शादी कर्नाटक से हुई थी। अच्छा सूर्य जी के मंत्री राजस्थान करता थे महाराज भी करते हैं। वो महाराज का झूला है, वो महाराज की ड्रेसिंग टेबल है और ये बेड है उनका के चांदी के पैर है। और आठ बारह का बेड है, ये निवार से बना हुआ है, फ्रेम सागवान लकड़ी का है, अटैचमेंट की वो लैट्रिन बाथरूम। ये पर्शियन कार्पेट सिंगल पीस में बहुत बड़ा हॉल है, कोई गार्टर कोई बीम कोई सपोर्ट नहीं, पट्टियों का ही पटाव है और 300 साल पुराना। तो ये है जी नूर जहां का झूला जो कि महाराज जीत के यहां अपने समर पैलेस में ले आए थे। पूरा झरने से ऊपर से पानी आता है और इनमें दीपक रखे होते थे। लग रहा है कुछ बहुत बड़ा कूलर ये रूम में आएगा। ये कलर के हैं मैडम। अच्छा। जैसे हिंदुओं में ये स्वास्थ्य कार्ड थे ना शादी, ईसाइयों में ये कड़ा हुआ है, चारों धर्मों के बताते हैं इसे। अच्छा। ये मंत्री है पूरे दिन जो हमने टाइगर दिखाया था उसके बच्चे हैं। चलाया जा रहा है और जो है पंखा, वाह क्या ठंडी हवा आ रही है, आप महसूस नहीं कर पाएंगे लेकिन बहुत अच्छी ठंडी हवा आ रही है। तो जी ये जो अभी हम पहुंचे हैं यहाँ पे, ये है आखिरी बिल्डिंग यहाँ की और ये है अखाड़ा जहाँ पे कुश्ती का जो है आनंद उठाया जाता था, कुश्तियाँ लड़ी जाती थी और इस अखाड़े में पहलवान तैयार होते थे जो महाराजा के लिए कुश्तियाँ जीत जीत के आते थे। तो जी जल महल देखने के बाद अब हम चल पड़े भरतपुर की ओर जहां हम देखेंगे लोहगढ़ किला। महाराजा सूरजमल ने एक अभेद किले की परिकल्पना की थी जिसके अंतर्गत शर्त यह थी कि पैसा भी कम लगे और मजबूती में बेमिसाल हो। राजा साहब ने इस विषय पर मंत्रियों दरबारियों तथा विद्वान जनों से गहन विचार विमर्श किया। तत्कालीन युद्ध के साधनों एवं उनकी मारक क्षमता को ध्यान में रखते हुए किले को बनाने का निर्णय लिया गया। भरतपुर के दूरदर्शी राजा लोहगढ़ किले का निर्माण 18वीं शताब्दी में आरंभ करवा के जाट शासक महाराजा सूरजमल ने करवाया था। यह किला भरतपुर के जाट शासकों की हिम्मत और शौर्य का प्रतीक है। अपनी सुरक्षा प्रणाली के कारण यह किला लोहगढ़ के नाम से जाना जाता है। किले के चारों ओर गहरी खाई है जो इसके जो इसको सुरक्षा प्रदान करती है। यद्यपि लोहगढ़ किला इस क्षेत्र के अन्य किलों के समान वैभवशाली नहीं है लेकिन इसकी ताकत और भव्यता अद्भुत है। किले के अंदर महत्वपूर्ण स्थान है जैसे किशोरी महल, महल खास, मोती महल और कोठी खास। दिवाले।
हाँ घंटी, ये फैन देखो इतना छोटा, वाओ क्यूट छोटा सा फैन। इनके सिक्के भी हैं इधर, इनके टाइम के सिक्के देखो, बड़े बड़े ह्यूज। ये देखो ऊपर, तो ये भी सारा जो है पीछे ये महल का ही हिस्सा है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं नीचे की तरफ। और ये जो उस टाइम की दासियाँ दास वगैरह होते थे उनके रहन सहन के लिए बना होता था ये। और ये अब आप पीछे देख रहे हैं ये है रानी का महल, जिसको किशोरी महल भी कहते हैं। ये है, इसी के साथ ये बांके बिहारी का मंदिर है और यहाँ पे एक लाल पताका चल रही है, ये आप देख सकते हैं तीन, जो ये गंगा जी का मंदिर है। तो ये देखिए जी, एक छोटी सी कढ़ाई है यहाँ पे जिसमें कि खाना बनाया जाता होगा, रसोई में यूज़ होती होगी ये। तो ये है 56 खंभे और यहाँ पे पूरा यहाँ से जो है आपको भरतपुर जो है दिखाई देगा। ये देखिए, और ये हो रहा है ब्यूटीफुल सनसेट। तो उम्मीद है आपको हमारा आज का ये छोटा सा सफ़र भरतपुर का पसंद आया होगा। तो यदि आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे व्लॉग को लाइक ज़रूर करें और अपना कमेंट ज़रूर छोड़ें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि वो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाले व्लॉग देखें। तब तक के लिए जय हिंद।